हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द सेकंड टॉपिक द यूज ऑफ नाउंस। द यूज ऑफ नाउंस, देर आर टू टाइप्स ऑफ नाउंस, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। उसके क्या होते, दो प्रकार होते, एक उसको बोलते एक क्वेश्चन एंड अनेकवचन। मोस्ट नाउंस फ्रॉम देयर प्लूरल बाय एडिंग यस एज, देखो बहुत सारे ऐसे नाउंस है जिसके लास्ट में प्लूरल है, जिसके लास्ट में क्या आता है, यस आता है। आई आईज, बी बीज, ट्री ट्रीज, काउ काउज, मतलब आई यानी एक आंख, आईज यानी दो आंखें अपनी, बी यानी एक मधुमक्खी, बीज यानी बहुत सारी मधुमक्खियां, ट्री ट्रीज वैसा। सेकंड वन देखो क्या है, नाउंस एंडिंग इन यस डबल यस यस एच और सी एच फ्रॉम देयर प्लूरल बाय एडिंग यस एज एस एसेस, मतलब देखो इसमें लास्ट में क्या है, डबल एस है तो इसको क्या लगा, ई एस लगा। गैस गैसेस, बॉक्स बॉक्सेस, डिश डिशेस, ग्लास ग्लासेस, ब्रश ब्रशेस, ऐसे इसी तरह ही होता है। देन द नेक्स्ट वन, इफ नाउन एंड्स विद कंसोनेंट प्लस वाई द प्लूरल इज फॉर्म बाय चेंजिंग वाई इंटू आई एस, जिसके लास्ट में क्या आता है, वाई आता है, जिसके लास्ट में वाई आता है और उसके पहले कंसोनेंट, कंसोनेंट यानी ए ई आई ओ यू छोड़ के, ए ई आई ओ यू ये नहीं है, ये छोड़कर जो है यहाँ पर क्या आया, यल आया, यहाँ पर क्या आया, टी आया। वैसे फ्लाई फ्लाइज, सिटी सिटीज, लेडी लेडीज, ड्यूटी ड्यूटीज, बेबी बेबीज, इसी तरह। दे नेक्स्ट वन, इफ नाउन एंड्स विद ओवल्स प्लस वाई द प्लूरल इज फॉर्म बाय एडिंग यस एज, देखो क्या होता है, रे रेज, टॉय टॉयज, डे डेज, की कीज। क्यों हुआ, क्योंकि इसके पीछे वाई के पीछे क्या है, ओवल्स है, ए ओ ए ई, ऐसे ये सब क्या है, ओवल्स है, इसके लिए क्या होता है, उसको खाली यस लगता है, इसलिए उसको क्या लगा, खाली यस लगा। देखो बॉय बॉयज, उसके खाली यस लगा उसको। देन द नेक्स्ट टॉपिक, नाउंस एंडिंग इन एफ और एफ ई फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इंटू वी एस, किसमें चेंज होता है, उसका वी एस, उसके पीछे क्या लगता है, वी एस है। देखो लाइफ लाइव्स, लाइफ लाइव्स, वाइफ वाइव्स, देखो यहां पर क्या हुआ, एफ ई निकल गया और क्या आया, वी एस आया। यहां पर सी एल एफ निकल गया और क्या आया, वी एस आया। उसी तरह जिसके लास्ट में एफ ई होता है वो निकल कर क्या आता है, वी एस आता है। बट द फॉलोइंग नाउंस एंडिंग विद एफ मे टेक्स ओनली यस, मगर उसमें भी कुछ क्या रहते हैं, जिसके लास्ट में एफ रहता उसको क्या लगता है, यस लगता है। देखो रोप रूप्स, हुप हुप्स, चिप चिप्स, प्रूफ प्रूफ्स, नहीं तो उसकी तरह नहीं आता। यहां पर कैसा वी एस लगा था वैसे नहीं होता यहां पर एफ कर। द प्लूरल ऑफ हुप कैन बी हुज, उसका ऑल्सो उसका प्रूफ ये क्या होता है, हुप का और क्या हो सकता है, हुज भी हो सकता है, हुप का क्या हो सकता है, हुज भी हो सकता है। नाउंस एंडिंग इन अ कंसोनेंट प्लस ओ जनरली फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस एज हीरो हीरोज, हीरो हीरो, जिसके लास्ट में वो आता है कंसोनेंट प्लस ओ आता है उसको क्या लगता है, ईएस लगता है। बफेलो बफेलोज, टोमेटो टोमेटोज, होलकैनो होलकैनोज, मॉस्किटो मॉस्किटोज, उसी तरह। द फॉलोइंग नाउंस फ्रॉम देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड ओवल्स, फुट फीट, देखो अभी ये यहां पर क्या है, बहुत सारा डिफरेंस है। यहां पर क्या है, फुट है डबल ओ है, इधर क्या है, डबल ई है। फुट फीट, मैन मेन, टूथ टीथ, माउस माइस, गूस गीज, वुमन वुमेन, ऐसा। ये क्या है, थोड़ा सा चेंज है, इनसाइड की चेंज होती है, इसके बीच में वाले जो लेटर है वो चेंज होते हैं उसके। द ऑक्स नाउंस टेक ई एन इन देयर प्लूरल फॉर्म, ऑक्स ऑक्सन, चाइल्ड चिल्ड्रन, ऑक्स ऑक्सन, चाइल्ड, ऑक्स यानी क्या, एक अपना बैल, और उसको ऑक्सन यानी क्या, दोनों की जोड़ी, अनेक क्वेश्चन उसका, चाइल्ड यानी एक बच्चा, चिल्ड्रन यानी अनेक जन। नोट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाउंस, कंपाउंड नाउंस की देखो प्लूरल फॉर्म कैसे, स्टेपसन, स्टेपसन मतलब उसको क्या बोलते हैं हम, स्टेपसन स्टेपसन्स, उसको क्या हुए, स्टेपसन, उसका क्या हुआ, अनेक क्वेश्चन, स्टेपसन्स। पासर बाय पासर्स बाय, पासर बाय का क्या आया, पासर्स बाय मतलब ज्यादा जन जा रहे। सन इन लॉ सन्स इन लॉ, एक का अगर रहा तो सन इन लॉ, ज्यादा रहे तो सन्स इन लॉ। वॉशरमैन वॉशरमैन, मैं क्योंकि मैन का क्या आता है, मेन आता है। स्टेप मदर स्टेप मदर्स, मेड सर्वेंट मेड सर्वेंट, उसको यस लगा। फादर इन लॉ फादर्स इन लॉ, मदर इन लॉ मदर्स इन लॉ। देन सम नाउंस हैव द सेम फॉर्म ऑफ द सिंगुलर एंड प्लूरल एज शीप डियर फिश ट्राउट पेयर डजन स्कोर हंड्रेड थाउजेंड सीटीसी। एग्जाम्पल देखो, द शीप इज माइन, दो शीप आर माइन,
दैट शिप इज माइन, मतलब वो मेरी शिप है, वो मेरी शिप है. देन दोज शिप्स आर माइन, तो सर वो सब शिप किसकी है, मेरी है. अ डियर इज किल्ड, अ डियर इज किल्ड, मेनी डियर वेयर किल्ड, मेनी डियर वेयर किल्ड, मतलब उसका क्या होता है, सेम आता है, दोनों का भी क्या आता है, एक ही आता है. द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ल्ड, सीनरी, फर्नीचर, न्यूज, इनिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स. एग्जाम्पल, द न्यूज इज नॉट ट्रू, द न्यूज इज नॉट ट्रू, हमको क्या लगता है उसको यस लगा है, यस लगा तो बोले क्या होते हैं, अनेक क्वेश्चन था वैसा नहीं रहता, मगर उसको क्या न्यूज ही बोलते. दिस फर्नीचर इज फॉर सेल, ये फर्नीचर किसके लिए है, सेल करने के लिए, बिकने के लिए है. दिस सीनरी वॉज चार्मिंग. मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स कैसा है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है. द फॉलोइंग नाउन्स ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब, कैटल, ट्राउजर, पीपल, क्लॉथेस, सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, थैंक्स, आर्म्स, रिचेस. देखो एग्जाम्पल देखो अभी क्या है, हिज ट्राउजर आर टॉर्न, हिज ट्राउजर्स आर टॉर्न, उसके कपड़े कैसे वाले, फटे वाले है. हर क्लॉथ्स वेयर डर्टी, उसके क्लॉथ्स कैसे डर्टी है. दिस सीजर आर ब्लड, मेनी पीपल हैव बीन हर्ट, मेनी पीपल हैव बीन हर्ट. लेटर्स एंड फिगर्स आर मेड अप प्लूरल बाय एडिंग यस एज, एड टू फाइव्स एंड फोर टूज. देखो क्या करना है यहां पर, जहां जहां पर क्या होते हैं नंबर लेटर, उसको क्या लगता है, यस लगता है, उसको क्या लगता है, यस लगता है. काउंट ऑल द आईज एंड ओज ऑन द पेज, इस पेज पर क्या करो, पूरे के पूरे क्या करो, काउंट करो. क्या काउंट करना है तुमको, आई काउंट करना है और ओ काउंट करना है. अभी देखो बच्चों इधर आएंगे हम एक्सरसाइज पर, इधर आएंगे हम एक्सरसाइज पर. एक्सरसाइज देखो क्या है, रीराइट ईच सेंटेंस यूजिंग द प्लूरल्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड. अंडरलाइन वर्ड का तुमको क्या करना है, प्लूरल लिखना है. जैसे हमने अभी पीछे सीखा है क्या है, टोमेटो को क्या आता है, टोमेटो इज अ फ्रूट, टोमेटो इज अ फ्रूट. टोमेटो का तुमको क्या लिखना है, प्लूरल लिखना है, उसका क्या आएगा, टोमेटोज. एप्पल का लिखना है एप्पल्स, मदर का लिखना है मदर्स, टीचर का लिखना है टीचर्स, मंकी का लिखना है मंकीज, ऐसे इसी तरह तुमको करने. देन रीराइट ईच सेंटेंस यूजिंग द सिंगुलर फॉर्म ऑफ अंडरलाइन वर्ड. अंडरलाइन वर्ड का सिंगुलर फॉर्म, हाउसेस का क्या आएगा, हाउस. रूप्स का क्या आएगा, रूप. स्कूल्स का क्या आएगा, स्कूल. बिल्डिंग्स का क्या आएगा, बिल्डिंग, इसी तरह. देन द थर्ड वन, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, लूसी हैज अ गार्डन हेयर, लूसी हैज अ गोल्डन हेयर, लूसी के बाल कैसे है, गोल्डन दिखते है. आई सॉ अ फ्लॉक ऑफ शीप, मैंने क्या कि एक शीप का फ्लॉक देखा, मतलब पूरा पूरे पूरे वो जो वहां पर जमा हुए वाले थे वो देखे. उसको क्या करना है तुमको, करेक्ट करके लिखना है इस सेंटेंस को, क्या करना है, करेक्ट करके लिखना है. ओके डियर स्टूडेंट, ये क्या हुआ, अपने सेकंड लेसन का पहला पार्ट हुआ, इसमें हमने इतना देखा. बाद में का सेकंड पार्ट जो है वो अगली वीडियो में लर्न करेंगे. ओके, थैंक यू.